हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, मैं निकेत आप सबका जो है डी एनालाइजर में स्वागत करता हूं। तो हर साल की तरह इस साल जो है हम गुड़गांव के DPGITM कॉलेज में पहुंच गए हैं SBI क्लर्कल प्रीलिम्स का कंप्लीट एनालिसिस करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा SBI PO प्रीलिम्स में कुछ चेंजेस, नए पैटर्न देखने को नहीं मिले थे, एग्जाम मॉडरेट रहा था, कुछ ऐसे नए चेंजेस नहीं आए थे। लेकिन SBI जिसको कि गॉड फादर बैंकिंग एग्जाम का कहा जाता है, क्या इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, क्या पेपर टफ आएगा, क्या पेपर मॉडरेट आएगा, क्या कुछ चेंजेस आएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में या रीजनिंग एबिलिटी में, या फिर मैं बात करूँ क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो हम कवर करेंगे दी एनालाइजर में और इस कंप्लीट एनालिसिस में। तो आप जो है जुड़े रहिए, हम आपको कंप्लीट एनालिसिस देंगे दी एनालाइजर में। हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज जोनी धवन। कैसा वो एग्जाम आपका? ऑल गुड। कितने अटेम्प्ट किया आपने? 79 क्वेश्चंस। क्या कुछ चेंजेस मिले आपको एग्जाम में? हां जी, थोड़े बहुत चेंजेस मिले थे, लेकिन अच्छे से तैयारी कर रखी तो अच्छे से हो गया। ठीक है, तो अपने टोटल जो है अगर मैं बात करूं रीजनिंग में, रीजनिंग में टोटल 30 थे आई थिंक। और आरसी कौन सा टॉपिक था बता सकते हैं? इंग्लिश में एक एरर का कर रखा था, एरर पूछ रखे थे, और उसके जैसे पैराग्राफ्स होते, पैराग्राफ्स टाइप में एरर वगैरह छाते थे। डीआई कितना पूछा गया था पॉइंट में? डीआई लगभग अप्रोक्सीमेट मैं वहाँ तक नहीं पहुँची, तो वहाँ। ठीक है मैम, ओके थैंक यू। एग्जाम कैसा हुआ आपका? वेरी गुड। कितना अटेम्प्ट किया? 85। पेपर अगर मैं पिछली बार से कंपेयर करूँ तो पेपर कैसा रहा? इजी था सर। जो आपने रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट किया? 30 अटेम्प्ट किया। yes. तो अगर मैं रीजनिंग में बात करूँ पजल्स किस टाइप के आए थे? सर पजल्स लीनियर, वो जिसमें नंबर ऑफ पीपल, अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीपल्स की पजल थी, पैरेलल रोज थी, 10 पीपल्स 5 इन ईच रो, एंड सर्कुलर पजल विद नॉर्मल सेंटर फेसिंग, एंड आई थिंक। और उस जो क्वांट में बात करूं, क्वांट में डीआई कितना पूछा गया था? डीआई सर एक डीआई। और मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बात करूं, पैसेज पूछा गया? यस सर। क्लोजेस्ट थे? नो सर, क्लोजेस्ट नहीं, पैराजंबल था। ओके, तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है? सेकंड सर। टोटल आपने कितना अटेम्प्ट किया? 2 अटेम्प्ट। यस सर। मतलब टोटल अटेम्प्ट कितने हुए? 85। यस। ओके थैंक यू। हेलो सर, जय कुमार, कैसा हुआ एग्जाम आपका? एग्जाम ठीक हो गया। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 84 अटेम्प्ट किया। क्या कुछ चेंजेस मैंने एक्चुअली प्रैक्टिस की नहीं थी इतनी, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? नहीं, अटेम्प्ट तो मेरा सेकंड था, लेकिन मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ ना। अच्छा। तो पजल्स कितने देखने को मिले आपको रीजनिंग में? अप्रोक्सीमेटली थी 3 के अप्रोक्स। कौन कौन से पजल थे पजल? सिंपल ही थी, सर्कुलर अरेंजमेंट में थी, बिल्कुल आसान थी। हाँ, बॉक्स नहीं था। स्क्वायर पजल? स्क्वायर पजल भी नहीं। फ्लोर थे? हाँ, फ्लोर भी नहीं था, लेकिन एक नई आई थी जैसे कि 7 पीपल अरेंज कर रखे थे ओकेजनली, कुछ सामान खरीदते हैं जैसे, तो उस हिसाब से अरेंज कर रखा था। बाकी आसान ही है, पेपर इतना टफ नहीं है। थैंक यू। हेलो सर, सुभाष कुमार, कैसा हुआ एग्जाम? ठीक ही रहा सर। कितना अटेम्प्ट किया आपने? सर मैंने ज़्यादा नहीं, करीबन 45। क्यों कम अटेम्प्ट हुआ? क्योंकि सर जॉब भी करता हूँ, जिसके वजह से मैं प्रॉपरली पढ़ा। ओके, तो क्या कुछ चेंजेस मिले आपको? चेंजेस काफ़ी इजी रहा, इजी था मेरा मतलब अधूरा कंप्लीट, मतलब अनकंप्लीट पढ़ाई की वजह से मेरे लिए तो टफ ही है, लेकिन मतलब जो आया ना हर बार से मतलब इजी आया। ओके थैंक यू, थैंक यू। हेलो यार, व्हाट्स योर नेम? हरे कृष्ण। कैसा हुआ एग्जाम आपका? ठीक हो गया। कितने अटेम्प्ट किया आपने? 76। पेपर इजी आया था? हाँ। तो रीजनिंग में टोटल कितने अटेम्प्ट किया आपने? रीजनिंग में मैंने शायद 28। तो रीजनिंग में पजल्स कितने आए थे? पजल दो पजल थे। और जो है अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में आरसी किस टॉपिक पे पूछा गया था? इसमें मैं अटेम्प्ट नहीं किया। और क्वांट में DI वगैरह कितने नंबर के पूछे गए थे? 2 DI थे। सिंप्लीफिकेशन आया? हाँ, सिंप्लीफिकेशन थे। रॉन्ग नंबर सीरीज भी था? हाँ, मिसिंग नंबर था। मिसिंग नंबर सीरीज। टोटल आपने 79 अटेम्प्ट किए? 76। हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? संध्या। संध्या, आप कैसा हुआ एग्जाम आपका संध्या? अच्छा नहीं हुआ सर। कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 45 अटेम्प्ट किए। 45 कम अटेम्प्ट हुआ क्यों? कैलकुलेशन ज़्यादा थी ना मैथ के क्वेश्चन में। पेपर कैसा आया था? टफ आया था। टफ था। तो अगर मैं बात करूँ रीजनिंग में, रीजनिंग में कितने पजल पूछे गए थे? सारे पजल ही थे, कोई 4-5 क्वेश्चन ही वैसे थे, बाकी सब पजल के क्वेश्चन। और क्वांट में DI कितना पूछा गया था? DI के क्वेश्चन भी काफ़ी 6-7 क्वेश्चन तो थे DI। और जो है RC पूछा गया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज था? हाँ जी, पैसेज था। क्लोज टेस्ट पूछे गए? यस। ओके थैंक यू मैम।
हेलो सर, हिमांशु। हिमांशु, कैसा हुआ एग्जाम आपका? ठीक ही गया। अच्छा, कितने अटेम्प्ट किए आप? 65। तो अगर मैं बात करूँ, पेपर किस लेवल का था? इजी टू मॉडरेट लेवल का था। अगर पिछली बार से मैं कंपेयर करूँ तो पिछली बार से पिछली बार वाला नहीं दिया था। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट? यस सर। तो जो है रीजनिंग में कितने अटेम्प्ट किए? रीजनिंग बहुत कम किए थे, 15-16। तो उसमें जो है मैं बात करूँ, पजल कितने आए थे? पजल 3-4 आए थे, उसके सर्कुलर अरेंजमेंट के और लीनियर पजल्स थे। और उसके बाद अगर मैं डीआई की बात करूँ, डीआई किस तरह के पूछा गया था? डीआई सिंपल था। और इंग्लिश की बात करूँ, मैं इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था? बिल्कुल पूछा गया था। पैसेज क्लोज टेस्ट थे? क्लोज टेस्ट नहीं थे, पैसेज था। मतलब एरर के क्वेश्चन पूछे गए थे? एरर के पूछे गए थे, मतलब सेंटेंस एरर वाले। मैं बात करूँ तो पेपर ऑल ओवर जो है मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था। थैंक यू। SBI क्लर्कल प्रीलिम्स का एग्जाम ओवर हो चुका है और पेपर जो है इजी टू मॉडरेट आया है। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग सेक्शन में जो है टोटल 4 पजल पूछे गए हैं, तो पेपर काफी इजी है। बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है, पेपर जो है पिछले साल के जैसा ही पेपर है, पेपर में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो जितने सारे भी कैंडिडेट जो एग्जाम सेंटर के बाहर आ रहे हैं, उनके अलग अलग अटैम्प्ट हैं, वो स्वाभाविक सी बात है, उन लोगों ने अलग अलग तैयारी की होगी, अलग अलग उनका अटैम्प्ट है, लेकिन पेपर जो है ओवरऑल इजी टू मॉडरेट रहा है। तो आइए हम एक और जो है अपने बच्चे के साथ बात करने वाले हैं, जिनका नाम है धीरज। तो धीरज, आपका जो है एग्जाम ओवरऑल कैसा हुआ? पेपर सर इजी था, 92 अटेम्प्ट्स थे मेरे, और रीजनिंग में मैथ में 32 किए और इंग्लिश में तो 28। तो रीजनिंग में जो है टोटल कितने पजल पूछे? 4 पजल थे सर, एक सर्कल का था, एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन थे, नॉर्थ फेस कर रहे थे, और एक पजल थी डबल रो बेस पे थी, और एक सर्कल बेस पजल थी। और जो है मिसलेनियस में कैसे ब्लड रिलेशन डायरेक्शन पूछा गया था? सिलॉक थे सर, और डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे। सेलोलॉजी में पूछा गया था सर, में आए थे सारे लगभग 4 में, ओनली अ फ्यू केस डाले थे। ओके, ओनली अ फ्यू केसेस, जो न्यू टाइप के जो पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन जी। और अगर मैं बात करूँ क्वांट में डीआई कितना पूछा गया था? एक ही डीआई आया था सर, ग्राफ बेस पे, और बाकी 10 नंबर के सिंपलीफिकेशन थे, 5 मिसिंग सीरीज थी, और 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, और 10 अरिथमेटिक के थे। तो काफ़ी इजी पेपर था, स्टार्टिंग के ही 10 मिनट में 15-20 क्वेश्चन से ज़्यादा हो गए थे मेरे। तो सीरीज कौन सा पूछा गया? मिसिंग नंबर सीरीज थे सर, 5 इजी थे। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में जो है आरसी कौन से टॉपिक पे पूछा गया? क्लाउड टेक्नोलॉजी के ऊपर था सर, ऑनलाइन जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा बेटर होती है, इसके बारे में दिया हुआ था। क्लोज टेस्ट पूछा गया था? नहीं, क्लोज नहीं आया था, 7 एरर के क्वेश्चन आए थे। 7 एरर के क्वेश्चन थे। और जो है फिलर्स पूछे गए थे? सिंगल फिलर्स थे 5, और रॉन्गली स्पेल्ड थे 5। रॉन्गली स्पेल्ड 5 क्वेश्चन पूछा गया था। 92 सर, 92 अटेम्प्ट किया है। धीरज, जो हमारे तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सर। जो है फिर आप मेंस का एग्जाम देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, धीरज जो है, हमने बताया धीरज का अटेम्प्ट जो है 92 रहा है। तो पेपर जो है ओवरऑल इजी टू मॉडरेट लेवल पे हम कह सकते हैं पेपर रहा है। तो पेपर कोई चेंजेस नहीं है, प्रीवियस ईयर की तरह ही पेपर है। तो उसके बाद अगर हम मैं बात करूँ, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ या रीजनिंग की बात करूँ या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ, कुछ चेंजेस ज़्यादा हमें देखने को नहीं आए। तो आई होप आप सारे जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है या फिर कल जिनका एग्जाम होने वाला है, आप सभी जो है अच्छे से एग्जाम देंगे और प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। तो बच्चों, SBI क्लर्कल प्रीलिम्स का फर्स्ट शिफ्ट ओवर हो चुका है और जो पेपर काफ़ी इजी टू मॉडरेट रहा है। प्रीवियस ईयर से कुछ चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले हैं और कंप्लीट डिटेल एनालिसिस जो है हमारे Atta247 ऐप और bankersatta.com पे जो है अवेलेबल हो चुका है। तो अभी हम कंप्लीट डिटेल एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या पूछा गया, रीजनिंग एबिलिटी में क्या क्वेश्चन आए या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह के क्वेश्चन आए, आपके साथ जो है हम कंप्लीट डिटेल एनालिसिस आपके साथ बिल्कुल शेयर करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं एक बार इंग्लिश लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज में जो है अगर मैं बात करूं, गुड अटेम्प्ट जो है 21-25 जो है बच्चों ने दिया है। रीजनिंग एबिलिटी में 29-33 गुड अटेम्प्ट रखा गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो है 22-27 जो है गुड अटेम्प्ट रखा गया है। तो ओवरऑल अगर मैं गुड अटेम्प्ट की बात करूं तो गुड अटेम्प्ट जो है 73-81 जो है गुड अटेम्प्ट रखा गया है। अब उसके बाद अगर हम बात करें हर एक सब्जेक्ट्स की, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी की पहले हम बात करते हैं, पेपर जो है टू मॉडरेट रहा है। अगर इसमें बात करें जो इसमें जो है टोटल नंबर जो है नंबर सीरीज जो है 5 पूछे गए थे और ये मिसिंग नंबर सीरीज था। उसके बाद डेटा डीआई से जो है 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि बार ग्राफ पे जो है क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिंप्लीफिकेशन से 10 क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थमेटिक से 10 क्वेश्चन पूछे गए जो कि काफ़ी ईजी थे। तो ओवरऑल जो अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी के, न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो है पेपर इजी टू मॉडरेट रहा है।
अब उसके बाद हम बात करते हैं एक बार इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए और ये क्लाउस टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद पैराजंबल से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद रॉन्गली स्पेल्ट जो है वर्ड था उस पर जो है 5 क्वेश्चन दिया गया था। एरर डिटेक्शन से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। सिंगल वर्ड फीडर से जो है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश पेपर भी जो है हमारा ईजी था। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी, जो कि काफ़ी जो है चौंकाने वाला एक टॉपिक रहता है। लेकिन इसमें जो है SBI क्लियरिकल प्रीलिम्स के एग्जाम में जो है पेपर ईजी आया है। लेकिन हम जानते हैं SBI क्लियरिकल प्रीलिम्स में रीजनिंग में जो है डिटेल क्या पूछा गया था। तो इसमें जो है रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में टोटल 4 पजल पूछे गए थे। एक पजल था अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाला, जो कि सिंगल रो का दिया गया था। फिर एक डबल रो पजल पूछा गया था जिसमें 10 लोग थे। उसके बाद एक सर्कुलर पजल था जिसमें कि टोटल 8 लोग दिए गए थे। और एक साथ ही अरेंजमेंट बेस्ड पजल था जिसमें 7 लोग थे और वो कुछ चीज़ें जो है खरीद रहे थे। उसमें मतलब कह सकते हैं हम सिंगल वेरिएबल पजल था। तो इसमें पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट से जो है 19 क्वेश्चन पूछा गया था। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्शन सेंस से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। इनइक्वलिटी से जो है 3 क्वेश्चन पूछा गया था। सिलोलिज्म से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद अल्फाबेट से जो है 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पेपर जो है इजी टू मॉडरेट रहा है। पेपर में हमें कुछ भी चेंजेस नहीं देखने को नहीं मिले। आई होप जितने भी आप जो है कल जिनका एग्जाम है, आप सभी अच्छे से एग्जाम देंगे। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो कि हमारे व्यूअर्स अड्डा 247 के देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका एग्जाम जो है, जितने भी आपने एग्जाम दिए, आप सभी लोगों का एग्जाम क्लियर होगा। और मेंस में हम दोबारा आपसे मिलेंगे और जो है आप फिर इस साल मेंस एग्जाम क्लियर करेंगे और आप इस साल 2019 में SBI बैंकर बनेंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।